आप लोग सरों का समंदर दिख रहे हैं, हम तादाद का अंदाज़ा नहीं कर सकते सरों के समंदर में। आप लोग को अंदाज़ा है कि सरों का समंदर में कितने लोग आए? बहुत तकालीफ के बाद जो पहली दफ़ा कामयाबी मिली है। हमारे तालुके के महकमे पुलिस के जो अफसरान हैं और हमारे जो तहसील और म्यूनसिपल के जो अफसरान हैं, वो जो अफसरान ने जो हमको कॉपरेट किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दलीप भाई का और हमारे और जो कम्युनिटी से जो इस जलसे में शामिल है, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा। ये जो सरजमीन है, ये सूफी संत की सरजमीन है। दीन अवैसी साहब बात की जाए, लास्ट में बोल के गए हैं ये मेरा जलसा आखिरी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह मैं फिर आ रहा हूँ। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर गए और हजरत जिब्राइल ने हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराक की सवारी की, उसकी रिकाब पकड़ी, तो इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि ये फरिश्तों के लिए बहुत बड़ा एजाज था, ये बहुत बड़ा एजाज था। इमाम फखरुद्दीन राजी ये भी लिखते हैं कि अगर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहि सलाम को सजदा किया तो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पेशानी आदम में नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो उलमाए किराम ने अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए लिखा और बोला कि अल्लाह ये नहीं चाहता था कि आपका हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठकर पत्थरों के पास जाए पानी के लिए, अपनी उम्मत की प्यास को बुझाने के लिए। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, इस पानी के कटोरे में आप अपनी उंगलियों को रख दीजिए, उसमें से हम चश्मे बहा देंगे। आज अजीमुशान जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फजल करम से बहुत ही कामयाब हुआ। मैं हुमनाबाद, तमाम ताल्लुके बीदर डिस्ट्रिक्ट और तमाम जितने भी लोग हमारे जो पार्टी के सदर थे, जैसे सेडाम यादगीर और आपके जहीराबाद मन्ना के लिए बीदर के सदर साहब, हमारे जो इंचार्ज हैं यहाँ के गौस साहब, जो आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खासकर हुमनाबाद के आवाम का अहमियत गहराइयों के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसके लिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान को लाज रखा और कामयाब करा जलसे को। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आज सबसे पहले हमारे हुमनाबाद के यासिन साहब का, हमारे खान साहब का भी खासकर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग पिछले 15 दिन से इस जलसे के लिए मेहनत कर रहे थे, अल्लाह उसको कामयाब करा। और साथ ही साथ नक़्बे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के पुलिस महकमे का और तुम्हारे तमाम डिपार्टमेंट का, खासकर म्यूनसिपालिटी का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर जो हुमनाबाद के जो हमारे सदर हैं यासिन साहब, उन्होंने इस जलसे के लिए बहुत मेहनत की, उनका भी मैं, उनकी फैमिली का, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपको क्या लगता है सर, कितने लोग इस जलसे में शामिल थे आज? नहीं देखिए, आप लोग सरों का समंदर दिख रहे हैं, हम तादाद का अंदाज़ा नहीं कर सकते सरों के समंदर में। आप लोग को अंदाज़ा है कि सरों का समंदर में कितने लोग आए, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ताल्लुक़ जात विलेजेस, तमाम गांव से, जैसे कि आपके अतराफ के चुड़गुप्पा, आपका राजेश्वर, आपका हलीखेड़, चिंचोली, औरा, तमाम जितने गुलबर्गा से, तमाम जगह से जो भी आए, दलित भाई का और हमारे और जो कम्युनिटी से जो इस जलसे में शामिल है, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा। मैं सैयद यासिन अली, सदर सीरत कमेटी, मरकज़ी सीरत कमेटी हुमनाबाद और टाउन प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम हुमनाबाद के बरादरान वतन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी शिरकत को इस मुबारक महफिल में शामिल कर जो एक इत्तेहाद का हुमनाबाद से जो पैगाम दिया है, हम वो एक तारीख़ रकम हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हमारे सदर साहब ने जो यहाँ पर एक सरों के समंदर को ख़िताब करते हुए जो एक तारीख़ रकम की है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह, हम जो है वो तारीख़ को
कायम रखते हुए आने वाले दिनों में हुमनाबाद की जो है अवाम को जो समाज सालों से वंचित रहा है, हमारे जो दलित भाई आकर जो है संजीव कुमार और हमारे विजय कुमार भाई ने जो साहब को संविधान की बुक पेश की और हमारे लिंगायत कम्युनिटी से जो आते हैं हमारे अरविंद माशेट्टी साहब ने ये जो सरजमीन है ये सूफी संत की सरजमीन है, ये बसवेश्वर नाड़ू की ज़मीन है। हम यहाँ से ये पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम एक पीस और ह्यूमैनिटी का मज़हब है। मैं हमारे सदर साहब को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो यहाँ पर हम जो है अपने सियासी जो जमात है उसके जो प्रोग्राम होंगे उसमें भी हम उनको मद्दु करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से एक मैसेज देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमज़ोर और जो मजलूमीन हैं उनकी आवाज़ बनकर आने वाले वक्त में उभरेगी। मैं आपके इस मीडिया से, हमारे जो प्रिंट मीडिया है, आपके सोशल मीडिया है और ख़ास कर हमारे महकुमा पुलिस जो इस क्राउड को देखते हुए हम समझते हैं ऐसे इसमें जो है एक दो दो जगह सीएम का प्रोग्राम रहते हुए भी हमको जो जिस तरीके से हमारे महकुमा ज़िला महकुमे के जो आला अफसरान हैं या हमारे तालुक़े के महकुमा पुलिस के जो अफसरान हैं और हमारे जो तहसील और म्यूनसिपल के जो अफसरान हैं वो जो अफसरान ने जो हमको कॉपरेट किया है हम उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में हम उनके शाना बशाना ठहर कर सोशल वर्क करते रहेंगे और हुमनाबाद की अवाम को जो है एक आने वाले दिनों में एक यहाँ से पीस और ह्यूमैनिटी का मैसेज देंगे। जश्न हमीदुल आलमीन का जलसा, इसके खुसूसी खिताब करने के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं कारकुन की हैसियत से, मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज की हैसियत से इस जलसे में शरीक किया और मैं तमाम लोग जो अजलास से आए हैं, जो गुलबर्गा हो गया, गरवाड़ी शरीफ हो गया, बसवा कल्याण हो गया, बीदर हो गया, औरात हो गया, उन्नाबाद हो गया, ज़हीराबाद हो गया, ये तमाम जो लोग इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं उन तमाम का मैं मेरी पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर खसूसी तौर के ऊपर जो पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दिए हैं कि हम तमाम उन्नाबाद के बीदर डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग को ये बात में जानकारी रहना चाहिए कि दलित ख़ास तौर के ऊपर आखिरी जो अल्फाज थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के, दलित लोग को लेके हम काम करें कि इसे हमारे को और जो वो भी पिछड़े हैं और उनको हम साथ में काम करने से हमको और ताकत पैदा हुई और पहली दफ़ा जो आज इस ग्राउंड के ऊपर मैं भी मुसलसिल हमारे बिदर के कारपोरेटर सदर साहब से बात कर रहा था मैं कि बहुत तकालीफ के बाद जो पहली दफ़ा कामयाबी मिली है इंशाल्लाह कि बार बार ये जश्न मिलादुन्नबी के ज़रिए और भी सियासी जलसों के ज़रिए हम हुमनाबाद और बिदर वगैरह आते जाते रहेंगे और बैरिस्टर अवैसी साहब बात लास्ट में बोल के गए हैं कि ये मेरा जलसा आखिरी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह मैं फिर आ रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि एक कोई भी सियासी जलसा अगर हो तो यहाँ पर लाने के लिए हम हमारे हुमनाबाद के जो सदर मुतमीन हैं और बीदर के गुलबर्गा के सारे लोग से एक मशवरा करके कि हम यहाँ से अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मैं कारपोरेटर चार मीनार हूँ हैदराबाद से और ख़ास तौर पर बीदर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ।